Hello everyone, good morning and welcome back to the 247. So my name is Sonu and this is our daily current affair MCQ show jiska abhi time change ho chuka hai. It will now be premiered at 7 AM every day. Okay, so you have to remember the new timing, which is 7 AM. Now the today's quote is, the future depends on what we do in the present. आज आप जो काम करने वाले हैं वो डिसाइड करने वाला है कि व्हाट यू विल बिकम इन योर फ्यूचर. इफ़ यू विल गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इफ़ यू विल डू एक्स्ट्रा एफर्ट इन योर लाइफ, डेफिनेटली यू विल बिकम समथिंग एंड समथिंग इन योर लाइफ. आप कुछ ना कुछ जरूर बन जाओगे लाइफ में, जरूर आप कामयाब होते हो. बट इफ यू विल वेस्ट दिस गोल्डन पीरियड, ये जो आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है इस टाइम पर, जो मेहनत का टाइम है, अगर आप उस टाइम को वेस्ट कर दोगे देन यू विल रिग्रेट इन फ्यूचर फॉर श्योर. तो कोशिश करो कि जो अपना ये वाला टाइम है, जिस टाइम आपको हार्डवर्क करना है, जिस टाइम आपको मेहनत करना है, उसको उसी चीज़ में लगाओ, उसको वेस्ट ना करो, ठीक है, ताकि आप फ्यूचर में कुछ ना कुछ बनो, आप फ्यूचर में कामयाब हो. एंड दिस वन इज़ माय फेवरेट कोट फ्रॉम महात्मा गांधी जी. सो आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे. उसमें से देखते हैं हाउ मच यू विल स्कोर, देखते हैं कितना आप वहाँ पर स्कोर कर पाते हैं. सो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, Which day is observed as World Blood Donor Day? किस दिन को World Blood Donor Day की तरह मनाया जाता है? हमारा लास्ट दिन जो गया है 14th June वो सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे. उस दिन वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है. इवन अगर आप हॉस्पिटल्स में जाते, वहाँ पर भी कैंपेन रखे गए थे कल काफ़ी. तो 14 जून को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाते हैं. नाउ द वन इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस इज थीम, कि इस दिन का थीम क्या रहा है वो हमारे लिए ज़रूरी है. वो एज अ होस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसको कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट करवाया था. सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑन 14th June. फर्स्ट थिंग, विच इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ इन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड. ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है. नाउ द होस्ट कंट्री वॉज दिस टाइम रवांडा. Rwanda was a host country for World Blood Donor Day this year. Now, World Blood Donor Day theme was Safe Blood for All. Okay, so you have to remember 14 June, World Blood Donor Day, and theme was Safe Blood for All. हम सबको कैसे ब्लड की ज़रूरत होती है, सेफ ब्लड की ज़रूरत होती है. आपको पता है ब्लड अवेलेबल होता है, हर जगह अवेलेबल होता है ब्लड, लेकिन काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि वो ब्लड जो होता है उससे डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है. वो कैसा नहीं होता है, सेफ ब्लड नहीं होता है. सो द नीड इज़ फॉर नॉट जस्ट ब्लड बट फॉर सेफ ब्लड. ओके, सो इज़ इट क्लियर टू यू. आप अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं, आप यहाँ पर येस मैम लिख सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ रवांडा, रवांडा की जो कैपिटल है वो है किगाली एंड द करेंसी इज़ फ्रैंक. सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी शुड रिमेंबर फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके, अब देखो रवांडा ही क्यों होस्ट कंट्री रखा गया, क्योंकि वहाँ पर है एक फैसिलिटी जिसको बोला जाता है जिप लाइन. सो रवांडा अडेप्टेड अ जिपलाइन फैसिलिटी टू ट्रांसफर ब्लड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, वहाँ पर एक ड्रोन फैसिलिटी को यूज़ किया गया ताकि जो टाइम पीरियड है ब्लड को ट्रांसफर करने में वो रिड्यूस किया जा सके. इसलिए काफ़ी अच्छी ये वहाँ पर इनिशिएटिव है, जिसकी वजह से रवांडा को होस्ट कंट्री यहाँ पर रखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 हैज़ बिन रिलीज, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन दिस इंडेक्स. ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 के लिए रिलीज़ हो चुका है. आपसे यहाँ पर पूछा गया है इंडिया की कितनी रैंक है. यहाँ पर जो टोटल कंट्रीज़ को लिस्ट अप किया गया है, टोटल 163 कंट्रीज़ वर लिस्ट अप, वेयर एज आइसलैंड टॉप द इंडेक्स. टॉप जिसने किया है वो किसने किया है, आइसलैंड ने इस इंडेक्स को टॉप कर दिया है. नाउ व्हाट वाज इंडियाज रैंक, इंडिया रैंक्ड एट 141. इंडिया की कितनी रैंक रही इसमें, 141 रैंक रही है. आपको दो यहाँ पर इंडेक्स याद रख लेने, एक 140 रैंक रही थी इंडिया की, कौन से इंडेक्स में रही थी, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रही थी. सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 140 थी. अब 141 कहाँ पर रही है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में रही है. तो दीज आर टू पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके, सो Now the top countries are here. जिन countries ने global peace index में top किया है, top 10 countries जो हैं वो यहाँ पर हैं. Iceland is the first countries that is the most peaceful country in the world. Okay, so most peaceful country क्या है यहाँ पर, Iceland है. Now which one is the least peaceful country, जो सबसे last में है उस country का क्या नाम है, अफगानिस्तान है.
सो अफगानिस्तान रैंक 163, अफगानिस्तान की कितनी रैंक रही है, 163 रैंक रही है, 162 पे रखा गया है सीरिया को. सो सीरिया जो है उसकी 162 रैंक रही है. व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान, अगर आपसे पाकिस्तान की रैंक पूछा जाए सो इट इज़ 153. पाकिस्तान रैंक एट 153, इंडिया रैंक एट 141. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर हियर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द इंडियन फिल्म एक्ट्रेस हु विल बी ऑनर्ड विद द ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड बाय यूनिसेफ. यूनिसेफ का ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है वो कौन सी इंडियन फिल्म एक्ट्रेस को दिया जाना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. आउट ऑफ ऑप्शन वन ए, आउट ऑफ ऑप्शन ए बी सी डी. सो नाउ द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रियंका चोपड़ा. प्रियंका चोपड़ा विल बी ऑनर्ड विद द ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड बाय यूनिसेफ. यूनिसेफ क्या है, यूनिसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट वर्क्स फॉर चिल्ड्रन. इट इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो चिल्ड्रन के लिए जो काम करती है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूनिसेफ है, जिसका ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है प्रियंका चोपड़ा को दिया जाना है. इफ़ यू नो, प्रियंका चोपड़ा गुडविल एम्बेसडर रह चुकी हैं यूनिसेफ की इन 2016. शी वॉज गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इन 2016. अब 2018 में एक एम्बेसडर बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है, मिली बॉबी. सो मिली बॉबी इज द गुडविल एम्बेसडर राइट नाउ ऑफ यूनिसेफ. अब यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इट इज़ इन न्यूयॉर्क सिटी. न्यूयॉर्क सिटी में हेडक्वार्टर किसका है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है. आपको अगर पता हो यहाँ पर काफ़ी एथलीट्स जो होते हैं उनको लिस्टअप किया जाता है यूनिसेफ के द्वारा. तो 2018 में हिमा दास को रखा गया था एज एन एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ. ठीक है, तो हिमा दास को वहाँ पर रखा गया था. सो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स. यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं, प्रियंका चोपड़ा वर्किंग फॉर द चिल्ड्रंस फंड एंड शी इज़ वेयरिंग अ यूनिसेफ टी शर्ट एज वेल. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द फर्स्ट इंग्लिश राइटर हु इज़ अवार्डेड विद जननपीत अवार्ड. जननपीत अवार्ड इज एन इंडियन लिटरेचर अवार्ड. नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज़ गिवन टू अ इंग्लिश राइटर, ये पहली बार किसी इंग्लिश ऑथर को दिया गया है. व्हाट वाज हिज नेम, उनका नाम क्या है. नाउ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अमितव घोष. अमितव घोष जो हैं वो इंग्लिश राइटर हैं जिनको जननपीठ अवार्ड दिया जा चुका है. नाउ अमित घोष इज ऑल्सो एन इंडियन, वो भी क्या है, एक इंडियन ही है, एक इंडियन राइटर ही हैं. उनकी कुछ फेमस बुक हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. देखो ये जो जननपीठ अवार्ड दिया गया है ये इंडियन लिटरेरी अवार्ड है एंड इट वॉज 54th अवार्ड. ठीक है, 54वें बार ये अवार्ड दिया जा चुका है यहाँ पर. नाउ द इमेज जो अमित घोष इज हियर, उनकी कुछ यहाँ पर बुक्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए. द शेडो लाइन, सी ऑफ पोपीज या फिर फ्लड ऑफ फायर, दीज आर सम ऑफ द बुक दैट यू शुड नो फ्रॉम हिम. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स लिस्ट हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट पेड एथलीट वर्ल्ड वाइड. फोर्ब्स लिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पेड एथलीट कौन है वर्ल्ड वाइड. नाउ हिज नेम इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लियोनेल मेसी. मेसी इज द मोस्ट पेड एथलीट वर्ल्ड वाइड. ही प्लेस फॉर बार्सिलोना एज वेल एज अर्जेंटीना. ही इज़ अ फुटबॉल प्लेयर. आप सबको पता होगा वो क्या है, एक फुटबॉल प्लेयर हैं. नाउ ओनली वन इंडियन इज इन द टॉप 100 लिस्ट and that name is none other than our Virat Kohli. Virat Kohli is among the top 100 Forbes list most paid athlete and what was his rank, his rank was 100 only. ठीक है, वो कहाँ पर rank करते हैं, उनका जो rank रहा है वो 100 रहा है. यहाँ पर जो top list हैं उनमें कुछ players आते हैं जो कौन है, मैसी हैं, विराट कोहली हैं, ये कौन है, क्रिस्टियन रोनाल्डो हैं एंड ही इज़ नेमार. सो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो उसमें आते हैं. उसमें एक F1 रेसर भी आते हैं जिनका नाम क्या है, लेविस हैमिल्टन है. आपको पता है हैमिल्टन ने काफ़ी ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है तो वो भी इस लिस्ट में आते हैं. इसके अलावा एक प्लेयर हैं जिनका नाम है रोजर फेडरर, ही इज़ ऑल्सो इन दैट लिस्ट. उस लिस्ट में कौन आते हैं, रोजर फेडरर भी आते हैं. ओके, तो आपको रोजर फेडरर का नाम भी यहाँ पर याद रख लेना है. सो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर फ्रॉम दिस क्वेश्चंस. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मलेशियन स्टार ली चोंग वाई अनाउंस्ड रिटायरमेंट, ही वॉज रिलेटेड टू वेस्ट शोर. ठीक है, मलेशियन स्टार हैं ली चोंग वाई, उन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है. आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है वो कौन से स्पोर्ट से यहाँ पर रिलेटेड हैं. नाउ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बैडमिंटन. मलेशियन स्टार ली चोंग वाई जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं, वो बैडमिंटन से रिलेटेड हैं.
यू कैन सी हिज इमेज एज वेल। यहाँ पर जो आप इमेज देख सकते हैं ये ली चोंग वाई का है, बैडमिंटन प्लेयर हैं। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ही इज़ फ्रॉम मलेशिया। वन मोर थिंग, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैम्पियनशिप इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड इन ऑगस्ट। कब शुरू होने वाली है? अगस्त में ये शुरू होने वाली है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैम्पियनशिप। ये भी हमें पता होना चाहिए। वट इज़ इट्स वेन्यू? इट विल बी स्टार्टेड इन स्विट्ज़रलैंड एंड द सिटी इज़ बेसिल। ओके, यहाँ पर ये चैंपियनशिप शुरू होने वाली है अगस्त में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द कल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन अस्तित्व। हमारे कल्चर मिनिस्टर कौन है जिन्होंने एक एग्जीबिशन का लॉन्च इनॉग्रेशन किया जिसका नाम क्या है? अस्तित्व है। देखो, आवर कल्चर मिनिस्टर ही इज़ हैविंग द इंडिपेंडेंट चार्ज। ही इज़ अ मिनिस्टर ऑफ कल्चर फॉर द स्टेट एंड ही इज़ हैविंग द इंडिपेंडेंट चार्ज। हिज नेम इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल इज द कल्चरल मिनिस्टर ऑफ व्हाट? इंडिया के वो कल्चरल मिनिस्टर हैं। ये इनोग्रेशन कहाँ पर हुआ था? इट वॉज इनोग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। ओके, सो इनोग्रेशन कहाँ पर हुआ इसका? न्यू दिल्ली में हुआ था। रमेश पोखरियाल क्या है? एस जयशंकर कौन है? और प्रकाश जावड़ेकर कौन है? ये आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते हैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर अभी याद हैं या नहीं है। नाउ यहाँ पर आप उनका इमेज भी देख सकते हैं। ओके, सो ही इज द कल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस द रेट ऑफ ESI, दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, फ्रॉम वट टू वट परसेंट। आपसे यहाँ पर पूछा गया है जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है उसने कितने परसेंट से कितना परसेंट जो इंश्योरेंस है उस रिड्यूस कर दिया उस रेट को। नाउ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6.5% to 4%। पहले कितना था? 6.5% था, लेकिन अभी कितना हो गया? 4% कर दिया गया है। तो आपको ये पॉइंट जो है इस क्वेश्चन से याद रख लेना है। नाउ ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके LIC EO एग्जामिनेशन में, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू अ इंश्योरेंस स्कैम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी मूवीज विल बी स्क्रीन्ड एट इंटरनेशनल फैंटेस्टिक फिल्म फेस्टिवल 2019। सी, इंटरनेशनल फैंटेस्टिक फिल्म फेस्टिवल 2019 विल बी कंडक्टेड इन साउथ कोरिया। इट्स वेन्यू विल बी द साउथ कोरिया। यहाँ पर कितनी मूवीज़ को स्क्रीन किया जाएगा जो इंडियन मूवीज़ होंगी उनका जो टोटल नंबर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 4। टोटल 4 इंडियन मूवीज़ विल बी स्क्रीन एट द इंटरनेशनल फैंटेस्टिक फिल्म फेस्टिवल 2019। ओके, यहाँ पर उन फिल्म का नाम क्या क्या है? मणिकर्णिका मूवी है, गली बॉय है, अंधाधुन है एंड सुपर डिलक्स है, विच इज़ अ तमिल मूवी। ओके, सो दीज आर 4 मूवीज़ दैट यू शुड रिमेंबर। यहाँ पर कौन सा एडिशन होने वाला है उस फिल्म फेस्टिवल का? 23rd एडिशन। इट विल बी द 23rd एडिशन। ओके, आई होप आप मूवीज़ का नाम भी यहाँ पर याद रख लेंगे। दिस इज अंधाधुन, दिस इज सुपर डिलक्स, दिस इज मणिकर्णिका एंड दिस इज गली बॉय। ओके, सो आपको इन मूवीज़ में से सबसे बेस्ट मूवी कौन सी लगती है वो भी आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नाउ द फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ FDI, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनफ्लोड इन इंडिया ड्यूरिंग 2018। अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है दैट फॉरेन कंट्रीज इन्वेस्ट इन इंडिया। कोई भी फॉरेन कंट्री जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में करती है उसको बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऐसी कंट्री को क्या बोला जाता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर बोला जाता है। नीदरलैंड्स इज थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर इन इंडिया। नीदरलैंड्स क्या है? थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है। फर्स्ट पोजिशन पर कौन है? सिंगापुर है। यहाँ पर टोटल हमारी कंट्री में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है 2018 में वो कितनी है? वो है $42 बिलियन। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हियर। यहाँ से जो हमें याद रखना है वो $42 बिलियन याद रख लेना है। दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम टूडे सेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपका। आई विल ट्राई कि आपका संडे को भी डेफिनेटली क्लास हो जिसमें हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। अब से आपका जो सेशन होने वाला है वो 7 AM पर ही होगा, ठीक है? तो अपना जो टाइम है 5 AM से 7 AM हो चुका है, तो आपको जो अब क्लास देखना है वो 7 AM पर कंडक्ट होगा। आपको वो शो डेफिनेटली डेली फॉलो करना है। अब से आपका डेली क्लास होने वाला है। इन एनी कंडीशन आई टू गिव माय बेस्ट एंड आई एक्सपेक्ट यू टू गिव योर 100% एज वेल। अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ देन यू शुड गिव योर 100% एज वेल, बिकॉज हमारा SBI PU एग्जामिनेशन इज वेरी क्लोज। हमारा SBI PU एग्जामिनेशन आने वाला है, उसके मेज में आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपके 40 क्वेश्चन
क्वेश्चन जो हैं वो केवल जीए सेक्शन से आएंगे, जिसमें से 25 प्लस क्वेश्चन जो हैं वो आपके करंट अफेयर सेक्शन से आएंगे। तो अगर आप ये डेली बेसिस पे शो देखते हो तो डेफिनेटली आप रिग्रेट नहीं करोगे कि करंट अफेयर क्वेश्चन कहाँ से आगे, क्योंकि आपके सारे करंट अफेयर क्वेश्चन इन शो से ही आने वाले हैं। सो हम एक शो रखने वाले हैं मंडे को 4 PM, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू गेट 30+ स्कोर इन जनरल अवेयरनेस सेक्शन। उसमें हम पूरा स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे और हमारे आगे कैसे क्लासेस चलने वाले हैं उसी के रिगार्डिंग उन सबको वहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस वॉज अबाउट टूडे शो। यू कैन लाइक दिस सेशन, यू कैन शेयर दिस सेशन एज वेल। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।